ये बात मैं बार बार कहता हूं कि आज से अगर 50 वर्ष पूर्व चले जाइए, पास्ट में चले जाइए, ठीक है, आप भूतकाल में चले, पिछला पीछे चले जाइए, तो आप ये देखेंगे कि अगर लोग जो है धर्म का ज्ञान ज्यादा रखते थे, खुद के धर्म का भी और दूसरों के धर्म का भी, तो होता यह था कि जब धर्म का ज्ञान वो रखते थे तो आपस में प्रेम होता था। धर्म का ज्ञान रखने से प्रेम होता है और एक दूसरे का लोग आदर करते हैं। आज ये है कि हमको धर्म का ज्ञान कुछ भी नहीं है, तो हम ना किसी का आदर करते हैं, ना धर्म का आदर करते हैं, ना उस मानव का आदर करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि इस समाज में शांति हो, तो उसके लिए हमारे लिए अत्यंत जरूरी है कि हम एक दूसरे से आदान प्रदान करें, नॉलेज को, डेटा को एक दूसरे को ट्रांसफर करें, वो भी रिलीजियस नॉलेज स्पेशली, याद रखिए। तो 50 वर्ष पूर्व हम देखते हैं कि लोग हमसे ज्यादा धार्मिक थे, हमसे ज्यादा धार्मिक थे। इसकी बात सब कहेंगे, हाँ मेरे दादा परदादा बहुत ज्यादा धार्मिक थे, मैं उतना नहीं हूं, सब गवाही देंगे। मुस्लिम बोलेगा, हिंदू बोलेगा, सिख बोलेगा, ईसाई बोलेगा, तो वो ज्यादा धार्मिक थे और कम कम्युनल थे। हम कम धार्मिक और ज्यादा कम्युनल है। उनको धर्म का ज्ञान ज्यादा था लेकिन कम्युनल नहीं थे, वो धर्म के लिए लड़ने को खड़े नहीं थे वो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो किसी धर्म के, जो उसने उस धर्म ने आज्ञा दी, उन आज्ञाओं का पालन करके जीवन व्यक्त तो नहीं करते हैं, लेकिन उस धर्म के लिए लड़ने और मरने के लिए बराबर खड़े। जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म को, उस धर्म पर चलना उनके लिए मुश्किल होता है, तो धर्म पर चलते तो नहीं है, लेकिन हाँ धर्म के लिए मरने की बात आई तो मैं सबसे पहले खड़ा हुआ रहूंगा उसके लिए। एक अजीब बात है। तो इसके लिए जरूरी है, इसके लिए आवश्यक है कि हम आदान प्रदान करें, एक दूसरे को बताए धर्म होता क्या है। और कोई भी धर्म किसी को लड़ना नहीं सिखाता, याद रखिए। कोई भी धर्म किसी को ये नहीं कहता कि दूसरों को जो है कत्ल करो, कोई भी धर्म नहीं कहता कि अशांति मचाओ, कोई धर्म ये नहीं कहता कि जो है बुरे कार्य करो, बुरे काम करो, सुकर्म करो, बुरे काम करो, ठीक है। तो ये जरूरी है कि हम लोग आदान प्रदान करें।